रूस यूक्रेन जंग पर अलग अलग विध्वंसक दावे, रूस के हमलों से तय होगा युद्ध का नतीजा क्या है। एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं 2023 में भी युद्ध का नतीजा नहीं निकलेगा, यानी 2023 में ऐसे बदस्तूर ये विध्वंस ये विनाश चलता ही रहेगा। तो देखिए, बड़ी भविष्यवाणियों का जिक्र हो रहा है, युद्ध को लेकर क्या 5 बड़ी भविष्यवाणियां की गई हैं उस पर आज हम खास तौर पर नजर डालने वाले हैं। क्योंकि देखिए, 24 फरवरी को पिछले साल जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब पहले ये आसार लगाए गए कि एक हफ्ते में, कुछ हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर कुछ महीनों का आकलन लगाया गया और अब दूसरे साल में यानी 2022 से 2023 में ये जंग प्रवेश कर चुकी है। अब मौजूदा दौर को देखते हुए 5 बड़ी भविष्यवाणियां इस जंग को लेकर क्या की गई हैं, ये देखिए। युद्ध का नतीजा रूस के हमलों से तय होगा, स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट यूके का ये इंस्टीट्यूट है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो ये दावा कर रहा है, ये भविष्यवाणी कर रहा है, यूक्रेन अपनी पूरी जमीन वापस ले लेगा। एंड्रेई की तरफ से ये दावा किया गया है। इसके अलावा बैरबरा जो कि ब्रिटिश एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 2023 में भी युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, यानी इस साल भी युद्ध चलता रहेगा, बेनतीजा रहेगा इसका हासिल। रूस की हार के अलावा दूसरा कोई नतीजा होगा नहीं, बेनहॉज ये कह रहे हैं, ये पूर्व अमेरिकी कमांडर हैं, उनकी तरफ से भविष्यवाणी की गई है। डेविड जिंडलमैन जो कि इजरायली एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि इसी तरह से हमले जारी रहेंगे, अभी नतीजे की कहीं कोई उम्मीद है नहीं। आप अंदाजा लगाइए ये इस वक्त की स्थिति है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नेवी कमांडर राजीव सरदाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं सरदाना साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये जो भविष्यवाणियां हैं इन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? आप याद कीजिए, पिछले साल कुछ लोगों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह जंग खत्म होने वाली नहीं, कम से कम 3 साल तक चलेगी, उधर जंग जाती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, जब तक रूस के जो इरादे हैं, जो उन्होंने ग्राउंड पर किए हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया है और चला रहे हैं, जब तक उनके वो पूरे नहीं हो जाते, रूस रुकने वाला नहीं है। भले ही यूक्रेन हो, चाहे नेटो हो, चाहे अमेरिका हो, जितना मर्जी समय लगा ले, जो रशिया के इरादे हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे, ये युद्ध नहीं खत्म होने वाला है। तो आप ये मानते हैं कि ये स्थिति बनी रहेगी? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।